जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर नीमच मंडी में माल लाने वाले सभी किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, नीमच कृषि उपज मंडी में माल लाने वाले सभी किसानों भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर। नीमच मंडी में अब वो रोटेशन गाँवों के हिसाब से माल आना कल 3 जून से बंद हो जाएगा। खुली रूप से एक तरह से सभी गाँवों को प्रतिबंध हटा दिया है। जो प्रतिबंध लगा था कि 5-7-8 गांव आएंगे उसके अलावा कोई प्रवेश नहीं पा सकता है, वो प्रतिबंध हट चुका है। नीमच कृषि उपज मंडी में अब सभी गांवों का माल, सभी जिलों का माल मध्य प्रदेश के, और इसके साथ साथ अन्य दूरी का प्रदेश भी हो, चाहे राजस्थान हो या कोई भी हो, सभी का माल आ सकता है। मगर नीलामी की प्रक्रिया सिर्फ ट्रॉली में चलेगी, चाहे वो कोई सी भी मंडी हो, लहसुन हो, अनाज हो, गेहूँ हो, सोयाबीन हो, मेथी, रायड़ा, कलौंजी, इसबगोल, धनिया, असगन, अश्वगंधा, किसी भी चीज़ की नीलामी हो, सबकी नीलामी चलेगी खुली ट्रॉली के अंतर। मगर माल कोई से भी गांव का, कोई से भी जिले का, कोई से भी प्रदेश का माल नीमच मंडी में आ सकता है। और जो किसान भाइयों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था माल नहीं लाने का, नीमच मंडी में सिर्फ 7 या 8 गाँव की लिस्ट आती थी, वही किसान भाई को प्रवेश दिया जाता था, तो ये प्रतिबंध मुक्त हो चुके हैं कल से। और कल 3 जून 2020 से नीमच मंडी ओपन हो चुकी है सभी किसान भाइयों के लिए। कोई भी किसान भाई मंडी में अपनी उपज लाके बेच सकता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो कोई से भी प्रदेश का हो, कोई से भी राज्य का हो और कोई से भी जिले का हो। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, बदनावर, बड़नगर, कोई से भी बेल्ट का, पट्टी का माल हो जो नीमच मंडी में बिकना आता है, सभी का माल आ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अपना माल खुली ट्रॉली या उपज में ही बेचना पड़ेगा, कट्टों में माल नहीं बिकेगा, नीचे ढेर होके माल नहीं बिकेगा, डायरेक्ट बोरी कट्टे में बिक जाएगा। मगर ज़मीन पे, फर्श पर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक भी ढेर नहीं होगा, ये प्लेटफॉर्म जो खाली दिख रहा है आपको ऐसा ही रहेगा, या तो ट्रॉली में बिकेगा या बोरियों में पैक होके बिकेगा। मगर खुली ज़मीन पे, फर्श पे, ढेर होके माल कोई नहीं बिकेगा। तो ये अभी तक की नीमच मंडी की सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले अब तक सबसे विश्वसनीयता के साथ। तो नीमच मंडी नीमच जिले के साथ साथ, नीमच तहसील और जिले के साथ साथ अन्य जिलों के लिए और अन्य राज्यों से भी मुक्त हो चुकी है। हर व्यक्ति नीमच मंडी में अपनी कृषि उपज को विक्रय हेतु ला सकता है, उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर माल सिर्फ खुली नीलामी में होगा, ट्रॉली वाली खुली नीलामी में, नीचे फर्श पे ढेर नहीं होगा, नीलाम होगा मगर केवल ट्रॉलियों के अंतर्गत और बोरियों में पैक में, नीचे ज़मीन पर कोई भी माल नहीं बिकेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ना आए तो डिसलाइक करें। उम्मीद और आशा है कि वीडियो को 100% पसंद आएगा, क्योंकि खबर बहुत अच्छी है, नीमच मंडी सभी किसान भाइयों के लिए खुल चुकी है। और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ आपकी मैं इजाज़त देता हूँ। दीपक, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।